NIMS हार्ट एंड ब्रेन हॉस्पिटल और NIMS हॉस्पिटल के न्यूरो इंटरवेंशन और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी विभाग की ओर से ISNR मिड टर्म CME का आयोजन किया गया। इस मिड टर्म इवेंट की थीम ब्रेन स्ट्रोक न्यूरो इंटरवेंशन रिवॉल्यूशन इन सेविंग लाइव्स रही। कॉन्फ्रेंस में एम्स नई दिल्ली, भुवनेश्वर, रायपुर, मुंबई, गुवाहाटी, जोधपुर, PGI चंडीगढ़ समेत देश भर के 275 से अधिक न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट, रेडियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी स्पेशलिस्ट और रेजिडेंट्स ने भाग लिया। कार्यक्रम के माध्यम से न्यूरोलॉजी के गतिशील क्षेत्र में हो रही नई शोध व प्रौद्योगिकी को सभी तक पहुंचने का प्रयास किया गया। इसके अलावा रोगी देखभाल के प्रति करुणा भाव व उत्कृष्ट उपचार के लिए न्यूरोलॉजिस्ट समुदाय को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया। डॉक्टर्स ने स्ट्रोक के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बताया कि स्ट्रोक का खतरा विभिन्न कारणों से महिलाओं, पुरुष या बच्चों में बन सकता है। इसके लिए खराब जीवन शैली, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस और धूम्रपान जैसे गलत आदतें जिम्मेदार हो सकती है। कोरोना के बाद लोगों में ब्रेन स्ट्रोक के प्रति जागरूकता बढ़ी है, साथ ही इससे बचाव के लिए लोगों ने अच्छी आदतों व सही जीवन शैली को अपनाया है। न्यूरो इंटरवेंशनल एक्सपर्ट डॉक्टर मदन मोहन गुप्ता ने बताया, कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य लोगों को ब्रेन से जुड़ी तमाम दिक्कत व बीमारियों के इलाज के प्रति जागरूक करना रहा, जिसके लिए इस प्लेटफॉर्म पर न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट जैसे स्पेशलिस्ट को आमंत्रित किया गया। इसके फलस्वरूप लोगों में ब्रेन से जुड़ी बीमारियों के प्रति बचाव, रोकथाम और उपचार की जागरूकता बढ़ सकेगी। चर्चा के दौरान ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज समेत न्यूरोलॉजी से जुड़े अन्य कई विषयों, तकनीकी और उपचार के तरीकों पर बात की गई। विशेषज्ञों ने ब्रेन स्ट्रोक का इलाज, न्यूरो इंटरवेंशन और ब्रेन की एंजियोग्राफी जैसे विषयों पर व्यक्तिगत प्रशिक्षण दिए। कार्यक्रम में अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश गायकवाड़, आयोजन सचिव डॉक्टर मदन मोहन गुप्ता, संरक्षक प्रोफेसर BS तोमर सहित संरक्षक डॉक्टर संजीव शर्मा, प्रोफेसर अमेरिका सिंह और डॉक्टर ईशान शर्मा, डॉक्टर पंकज सिंह, डॉक्टर निरंजन खंडेलवाल, मनीषा चौधरी एवं अन्य सदस्य मौजूद रहे। ये इसको हम मिड टर्म CME बोल रहे हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ न्यूरो रेडियोलॉजी। ये जो सोसाइटी है ये एस्टैब्लिश हुई थी 1998। तब से हम प्रति वर्ष इनका एक एनुअल मीटिंग करते हैं और 2 से 4 मिड टर्म CME करते हैं। मिड टर्म का मतलब हर 3 महीने में या 4 महीने में एक और मीटिंग होती है, जो मेट्रो में नहीं होती है बट Type 2 सिटीज जिसे कहते हैं उसमें होती है। तो ये हमारे इस साल की जयपुर में एक और मीटिंग हुई है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो स्पेशलिटी है न्यूरो रेडियोलॉजी, उसके 2 आर्म्स है। एक तो इमेजिंग है जो डायग्नोस्टिक है और एक है थेरापिटिक जिसको हम इंटरवेंशन कहते हैं। तो डायग्नोस्टिक के लिए हमारे पास क्या क्या टूल्स है, जैसे आपने सुना होगा CT है, MRI है, अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, और कई चीज़ें हैं जैसे PET MR है। ये कई सारी टेक्नोलॉजीज़ है जिससे हमें ब्रेन की डिजीज़ अगर कोई है तो पता चलेगा, स्पाइनल कॉर्ड की डिजीज़ है तो पता चलेगा, या कुछ और बॉडी में कोई और डिजीज़ है वो भी पता चलेगा। बट क्योंकि हमारा मुख्य जो सब्जेक्ट है वो न्यूरो रेडियोलॉजी है तो मैं उसी उपलक्ष्य में ये सब बातें कह रहा हूँ। दूसरा जो आर्म है न्यूरो रेडियोलॉजी में वो है थेरापिटिक आर्म, यानी ट्रीटमेंट, मरीज का सिर्फ डायग्नोसिस नहीं करना बट उसका ट्रीटमेंट भी करना है। अब ट्रीटेबल क्या क्या कंडीशंस हो सकती है वो इस चर्चा का विषय रहा है, इस सब्जेक्ट CME का चर्चा विषय रहा है। तो इसमें अब हम स्ट्रोक के बारे में अभी बहुत कुछ बोल चुके हैं, आपने देखा कि स्ट्रोक का मेन जो होता है कि मरीज को एकदम से हाथ या पैर में कमजोरी हो जाती है जिसको हम वीकनेस कहते हैं। अक्यूट ऑनसेट ये एक मेडिकल टर्म है जिसमें हम बोलते हैं कि अक्यूट हुआ है तो उसका कॉज वैस्कुलर होगा या कोई ब्रेन की नस एकदम से बंद हो गई है, कुछ क्लॉट आ गया है या कोई और वजह से बंद हो गई है। तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो दोनों तरीके से हो सकता है, एक तो मेडिसिन दे सकते हैं आप, दूसरा आप वो क्लॉट जहाँ बंद आर्टरी बंद हुई है वो क्लॉट को आप कोई डिवाइस ले जाके उसको कैप्चर के बाहर निकाल सकते हैं। अब मेडिसिन के लिए भी कुछ गाइडलाइंस है, जैसे मरीज 4.5 घंटे के पहले आना चाहिए, फिर CT स्कैन करने के बाद जो और भी मिमिक्स होते हैं जो स्ट्रोक के जैसे प्रेजेंट कर सकते हैं उनको पहले रूल आउट करना पड़ता है। दूसरा उस वक्त के स्ट्रोक ने ब्रेन का कितना प्रतिशत डैमेज हुआ है, अगर ये 2/3 से या 1/3 से ज़्यादा हुआ है तो उसमें ये दवाई IVT पे काम नहीं करेगी। तो उसके लिए हमारे पास दूसरे तरीके होते हैं, जैसे क्लॉट डायरेक्टली जाए और उसको कैप्चर करके बाहर निकाला जाए जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी कहते हैं,
या उसको एक एस्पिरेशन करके भी एक टेक्निक है जिसमें कैथेटर को ले जाके एक सक्शन डिवाइस लगा के उसको सक आउट करा जा सकता है। तो एस्पिरेशन हो गया, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी हुआ, या दोनों को कंबाइन करके क्लॉट को बाहर निकाल दिया।